हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI PPSC पास पेपर 2016 का पार्ट फोर। पार्ट वन, टू एंड थ्री फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। पेपर स्टार्ट करने से पहले फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला पेपर आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं। 76 है, व्हाट इज मेंट बाय अल्लाह एट्रीब्यूट अल बारी। तो अल्लाह के एट्रीब्यूट अल बारी का मतलब है द मेकर, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। क्वेश्चन 77 है, इन द सिक्स ईयर ऑफ द हिजरा विच इम्पोर्टेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन द इस्लामिक हिस्ट्री। तो हिजरत के छठे साल जो है कौन सा इंसिडेंट वकूअ पज़ीर हुआ। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज साइंड बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द कुरैश। तो सुलह हुदैबिया जो है वो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान तय पाया। 78, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी टू होम हज़रत अबूबकर कमीशनड द टास्क टू कलेक्ट द स्कैटर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ द होली कुरान एंड कंपाइल दैम इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो किस पर्सनैलिटी ने हज़रत अबूबकर सदीक को कमीशन किया कि वो कुरान पाक जो है उसको कंपाइल करके एक किताब की शक्ल दें। तो हज़रत अबूबकर सदीक ने जो है हज़रत जैद बिन साबित को ये काम सर अंजाम देने करने के लिए ज़िम्मेदारी दी। 82 फॉर द मुस्लिम्स। तो कुरान में सजदा जो है वो कितने जगह पर ओब्लीगेटरी है, तो वो है 14। 80 है, लॉज अबाउट इनहेरिटेंस वार रिवील्ड इन। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो 3 हिजरी को हुए। 81 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गेट कीपर ऑफ हेवन मेंशन इन द होली कुरान इज। तो गेट कीपर ऑफ जो है वो जन्नत का जो पहरेदार है दरवाजे में जो खड़ा हुआ है उसका नाम है रिजवान। 82 है, द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज अल बकरा। कुरान की सबसे लंबी सूरत जो है सूरा अल बकरा है। क्वेश्चन 83 है, नंबर ऑफ गजवात मेंशन इन द होली कुरान आर। तो कुरान में कितने गजवात जो हैं वो मेंशनड है, तो वो हैं 12। विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिवाइन बुक इज़ कॉल्ड ओल्ड टेस्टमेंट। तो कौन सी बुक है जिसको ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, वो इंजील। 85 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किसको कहते हैं, फलस्तीन को, पैलेस्टाइन। क्वेश्चन 86 है, हाउ मैनी सूरा द होली कुरान कंटेन्स। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं, तो हैं 114। 87 है, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान 4 times। तो वर्ड जो मोहम्मद है वो कुरान पाक में 4 दफ़ा मेंशन्ड है। 88 है, विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है, तो वो है सूरह अल नमल। 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड अमंगस्ट द सूरह अशरा मुबशरा। तो हैं साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में शामिल है। 90 है, उम्मुल मसाकीन वाज द टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मुल मसाकीन जो है लकब दिया गया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 91 है, द इफ़ेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ। इफ़ेक्टिव ज़कात सिस्टम जो है वो इंश्योर करती है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गुरबत के खात्मे को इंश्योर करती है ज़कात। 92 है, इब्ने खलदून वाज फेमस हिस्टोरियन ऑफ 14th century। इब्ने खलदून जो है वो हिस्टोरियन है 14वीं सदी का। 93 है, द इस्लामिक कैलेंडर हिजरा स्टार्टेड इन द ईयर 622 AD। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की
तब 622 में, तब से जो हिजरा कैलेंडर जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। 94 है, द सील अफिक्स्ड ऑन इम्पोर्टेंट लेटर्स बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन द कस्टडी ऑफ। मोहर जो हजूर सल्लम हर लेटर पर लगाते थे वो किसकी कस्टडी में थी? वो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की कस्टडी में थी। 95 है, अमीन उल उम्मत इज़ टाइटल ऑफ हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु। 96 है, अरफात गैदरिंग ड्यूरिंग हज इज़ हेल्ड ऑन 9 ज़िलहज। अरफात के मुकाम पर जो गैदरिंग है वो 9 ज़िलहज को होती है। 97 है, द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इज़ मुहर्रम। पहला इस्लामिक महीना मुहर्रम है। 98 है, जिबल नूर इज़ सिचुएटेड इन गार हिरा। गार हिरा है और जिबल नूर में वाक़े है। 99 है, द होली कुरान वाज़ फर्स्ट कंपाइल्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो। कुरान जो है सबसे पहले कंपाइल किया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में। क्वेश्चन 100 है, मस्जिद ज़ू क़िबलतैन इज़ सिचुएटेड इन मदीना। मस्जिद जो ज़ू क़िबलतैन है वो मदीना में वाक़े है। तो इसके साथ ही ASI का पेपर मुकम्मल हुआ। फेथफुल वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले पेपर आप तक पहुंच सके। बाय बाय।